दोस्तों प्रणाम, अभी मैं जो है वाराणसी के वाराणसी जंक्शन पर मौजूद हूँ और हमारे साथ एक भाई मौजूद है आज, और आज भाई के साथ ऐसी तकलीफ़ है, भाई को आज ऐसी तकलीफ़ है, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। भाई को जो है हैंडीकैप है पैरों से पूरी तरह से, उसके बाद भी जो है ऑटो चलाता है और जो है इसको पुलिस प्रशासन से लेकर जो है हर एक व्यक्ति तंग करता है, और भी क्या क्या इसको दिक्कतें होती हैं आज हम जानने का प्रयास करते हैं और आपको भी दिखाने का प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम सर मोहम्मद तनवीर है और मैं ऑटो चालक हूँ। आप पैर से जो है कुछ पैर में प्रॉब्लम भी आपके है? जी मैं हैंडीकैप हूँ। हैंडीकैप हैं आप? कब से हैंडीकैप हैं भैया? ये तो मैं करीब डेढ़ वर्ष का था तब का हूँ। डेढ़ वर्ष के थे तब से ही है, मतलब बचपन से आप हैंडीकैप हैं? जी जी। घर में कौन कौन है आपके भैया? घर में है माँ है, पिता है, माता है। अच्छा, बस और मैं हूँ। ऑटो चलाते हैं आप? जी। कैसी होती है कमाई ऑटो चलाते हैं? इस समय तो सर नहीं हो पा रहा है, देख सुबह से बैठे हुए हैं, अभी बोहनी नहीं हुआ है और काफ़ी दिक्कत से अभी हम लोग चल रहे हैं। जैसे जैसे चल जा रहा है बस ऊपर वाले कृपा है, और हम लोग का धंधा पानी एकदम हो नहीं पा रहा है। दिन भर रहते हैं, मालिक को देंगे किसको देंगे, जब मालिक को 300 देना रहता है प्लस CNG भरवाना पड़ता है, ले दे के हम लोग का 100-200। ऑटो को, ऑटो का जो मालिक है उसको 300 रुपये देने होते हैं एक दिन में, प्लस CNG का कितना लग जाता है एक दिन? अरे सर चलने के ऊपर है, 200 का भी चलता है, 250 का भी चलता है, चलने के ऊपर है जितना चल जाए। अभी तो सर बोहनी नहीं हुआ है, अब देखते हैं शाम तक जो होगा जैसा होगा। अच्छा, डेली अगर आप एक औसतन बात करूं तो कितने रुपए आप कमा लेते हैं इससे? सर अगर पहले तो हम लोग मैक्सिमम 1000 रुपये कमा लेते थे, अब 500 भी करना मुश्किल हो गया है। इतना ऑटो हो गया है, इतना बैटरी रिक्शा हो गया है, और 1000 रुपये करने में सर अभी हम लोगों का अभी तक हम लोग ठीक से, जब से ऑटो टोटो बढ़ गया है अभी 1000 रुपये हम ठीक से कमाए नहीं है। अच्छा, आपका जो रोज़गार है हम किसकी वजह से कहें छीना हुआ है? सर हम किसको कहें? टोटो वाले की वजह से कह सकते हैं क्या? सर हम किसको कहें बताए क्यों, अब वो भी टोटो निकल गया है तो टोटो निकलने का कारण है, टोटो तो निकल ही गया है प्लस इलेक्ट्रॉनिक बस जो निकल गया उससे और हम लोगों को दिक्कत हो रहा है। पैसेंजर जो हम लोग में बैठता था अब वो जाके इलेक्ट्रॉनिक बसें में बैठती हैं। सरकार की तरफ से आपको क्या मदद मिलता है, क्योंकि आप हैंडीकैप हैं जैसे? सरकार आपके की तरफ से हम लोग को मंथली 1000 रुपये मिलता है, तो 1000 रुपये से क्या होने वाला है? 1000 रुपये अगर तो मंथली अगर देखेंगे ठीक से तो साबुन सरफ में चला जाएगा और उसके बाद हम लोग भूखे रहेंगे क्या? अच्छा, पैर आपका दोनों पैर से हैंडीकैप है कि किसी एक पैर से? नहीं, दोनों पैर से हैंडीकैप है। आप चलते कैसे हैं और बाहर कैसे ऑटो से निकलते हैं? सर अभी तो हम घर से व्हील चेयर पर ही चलते हैं, घर से व्हील चेयर पर आएंगे ऑटो में दिन भर रहेंगे, उसके बाद हम फिर चले जाएंगे, और घर पे तो फिर घर में ही रहते हैं, चल नहीं पाते हैं। अच्छा, मतलब आप ऑटो में बैठ गए हैं तो शाम तक रात तक जब तक यहाँ रहेंगे ऑटो में? यहाँ तक रहेंगे जब तक हम, मैं अगर बाहर रहूँगा तब तक ऑटो में ही रहूँगा। तो कुछ अगर भूख लगती है, कुछ खाने का मन करता है तो दुकान है, दुकान है पास में, दुकान वाले के पास चले जाते हैं, उनसे बोलते हैं भाई थमा दीजिए, थमा देते हैं। अच्छा, वो थमा देते हैं। कितने साल से ऑटो चला रहे हैं आप? सर हमको हो गया 9 साल ऑटो चलाते हुए। 9 साल से ऑटो चला रहे हैं आप? बनारस में ही चलाते हैं और बाहर चलाते थे? बनारस में ही चलाते हैं। बनारस में ही चलाते हैं ऑटो, 9 साल से चलाते हैं। कितने साल से दिक्कतें हो रही हैं आपको? अरे सर यही 2-3 साल से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। 2-3 साल से ज़्यादा दिक्कतें हो गई हैं। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि किसी दिन 1 रुपये की कमाई ना हो? आज वही हुआ है ना, आज तो हुआ है, आज तो मेरा बोहनी नहीं हुआ है, और हम वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि सर हम लोगों का धंधा चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास फैमिली है, माँ है, बहन है, पिता है, पढ़ाई है, लिखाई है, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर जो आने वाली हम लोग की छोटे छोटे जो रहेंगे जो भी उनको कैसे हम लोग ध्यान देंगे, अगर अभी से हम लोग नहीं कुछ। आपकी शादी हो गई है? नहीं अभी शादी नहीं हुई है, होगा ही भैया, होगा ही ना, तो अगर हम लोग अभी से अगर मेहनत मजदूरी करते रहेंगे तो कौन हम लोगों को पूछेगा? एक तो हम ऊपर से हैंडीकैप है, आजकल का दौर है कि देख रहे जब से पहले इनकम देखते हैं लोगों की, अब इनकम हमारा है ही नहीं है। अच्छा जरा एक बात और गौर कीजिएगा आप लोग, हम लोग बनारस में हैं और जब बनारस का नाम लेते हैं तो बनारस एक ट्रैफिकों का शहर है और सबसे ज़्यादा भारत में जो है टूरिस्ट आगमन होता है तो बनारस में होता है। अब पहले गोवा में होता था, अब बनारस में होता है। सोचिए बनारस में इतने ज़्यादा लोग आते हैं, ऑटो ऑटो में बैठते हैं, उसके बाद भी जो है इन लोगों की कमाई नहीं होती है, तो और छोटे शहरों में और जिलों में या फिर और राज्यों में जो है कैसे ऑटो वालों की कमाई होती होगी, हम इनसे एक बार जान लेते हैं। अच्छा भैया, जो है बनारस में इतने टूरिस्ट लोग आते हैं तब भी आप लोगों की कमाई नहीं होती है, अगर दूसरे जिलों में जो रहते होंगे उनकी कमाई कैसे होती है? अब भैया हम लोग तो बनारस के रहने वाले हैं, एक्चुअली क्या है ना कि देखिए अगर एक घर से अगर 10 लोग आ रहे हैं, बाहर से टूरिस्ट आ रहा है, तो हम लोगों का कहना में सर देखिए अगर कहीं मान लीजिए गोदौलिया जाना है, गोदौलिया जिसको जाना है तो वो मान लीजिए ऑटो नहीं करता है, बाकी बैटरी रिक्शा आके सामने खड़े हो जाते हैं तो ऑटो छोड़ के बैटरी रिक्शा पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पेट पे लातों मारा जा रहा है। तो क्या बैटरी रिक्शा सस्ता होता है क्या ऑटो से?
सर एक्चुअली क्या उसमें कुछ लगता है नहीं, बैटरी चलता है और लोग सोचते हैं कि वो भाड़ा कम लेते हैं, जो कि भाड़ा हम लोग उतना ही लेते हैं, जितना हम लोग लेते हैं उतना वो भी लेते हैं। बस अब कस्टमर के ऊपर है, अब हम लोग कस्टमर से झगड़ा थोड़ी कर सकते हैं कि भैया हमारे ही बैटरी, उनकी मर्जी है। मगर हम लोगों का यही है कि हम लोग ऑटो, जब से टोटो निकल गया हम लोग का धंधा डाउन हो गया है। जब से टोटो निकल गया है तब से टोटो प्लस निकला, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बस निकल गया है, कहीं हम लोगों को लंका जाना पड़ रहा तो लंका में इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा अभी तो बनारस में जो है लाइट मेट्रो बनने की तैयारी हो रही है, अगर वो बन जाएगा तो फिर क्या होगा? तो सर हम लोग क्या करेंगे, घर में बैठ के पंखा हौकेंगे, क्या करेंगे, पानी पी पी कर रहेंगे। पानी तो मिलेगा ना कि वो भी बंद हो जाएगा? पानी तो नहीं बंद होगा, पानी नहीं ना बंद होगा, हमारा घर मट्टी का, मट्टी फोड़ फोड़ के खा लेंगे। सोचिए जरा, ये इनका पैर दिखा दीजिए, दोनों पैर से हैंडीकैप हैं, दोनों पैर से हैंडीकैप हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बनारस में बहुत जल्दी लाइट मेट्रो बनने जा रहा है, हालांकि जो है बहुत डेवलप हो रहा है बनारस, और आने वाले समय में जो है भारत की नंबर वन शहर सिटी भी बन जाएगी, लेकिन इन लोगों के क्या होगा, और ऑटो जो है उसका भी चलन कम हो जाएगा, और ज़्यादा ऑटो निकल जाएगा तो वैसे भी चलन और ज़्यादा कम होता चला जाएगा, तो क्या होगा जब लाइट मेट्रो निकल जाएगा, तो क्या करेंगे आप सर? क्या करेंगे, देखेंगे चलेगा धंधा तो करेंगे, नहीं तो कहीं दूसरा मजदूरी उजदूरी करेंगे। पढ़े लिखे हैं फिर भी नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी के लिए तो कितनी बार। आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं जो है दोनों पैरों से हैंडीकैप हैं, दोनों पैरों से हैंडीकैप हैं, ना ये चल पाते हैं, ना ये दौड़ पाते हैं, ना ये कुछ कर पाते हैं, सिर्फ ये बैठ कर जो कर पाते हैं सो कर पाते हैं, ना ये ऑटो में दिन भर रहेंगे एक सेकंड के लिए भी ऑटो से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि ये चल नहीं पाते हैं सड़क पे, ना पैर से, और व्हील चेयर से चलते हैं, और व्हील चेयर इनका जो है घर पे है। क्या भैया व्हील चेयर? जी जी जी, हम घर पे ही रख के आते हैं, घर के बगल से ऑटो निकालते हैं और फिर ऑटो दिन भर चलाते हैं, फिर चले जाते हैं व्हील चेयर से घर पे। घंटे में 1000 रुपया कर रहे थे, अब हम लोग 12 घंटा भी कर रहे हैं तो भी 1000 रुपया नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा। जल्दी यात्री लोग मिलते नहीं होंगे बैठने? क्या है, कितना जगह का रास्ता बंद हो गया, इसके वजह से हम लोगों का भी कमाई बंद हो गया। मेन चौराहे गिरजाघर पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे गाड़ी पहले जाता था तो कस्टमर कम लोग ले जाते थे, जब कस्टमर अब बोलता है कि वहाँ तक जाओगे तभी पैसा देंगे, तो जब प्रशासन वहाँ पे बंद किया है रास्ता, तो हम लोग तो प्रशासन से झगड़ा तो करेंगे नहीं, ठीक है। एक्चुअली इसलिए हम लोग थोड़ा नॉर्मल हो जाते, पैसेंजर बैठता नहीं है कि जब वहाँ जाओगे तभी बैठेंगे ना, और कितने लोग हैं पैदल चलना नहीं जानते हैं, अगर बोलेंगे भैया 200 मीटर पैदल चलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे घर तक छोड़ो, तो इसके वजह से कितना हम लोग का पैसेंजर वापस चला जाता है, बैठकर उतर जाता है, कि जब तक हमारे गिरजाघर पेट्रोल पंप पे छोड़ेंगे। ऐसा है क्या, जितने पूरे भारत के अगर टूरिस्ट आते हैं तो मंदिर के पास में ही आते हैं, ठीक है, अगर मंदिर तक बोलते हैं गाड़ी लेके चलो, जब प्रशासन नहीं जाने देगा तो जबरदस्ती थोड़ी जाएंगे, इसके वजह से भी हम लोग का बाजार डाउन होता है। मतलब टूरिस्ट लोग जो है जाना चाहते हैं पूरे काशी विश्वनाथ मंदिर तक, लेकिन आप लोग नहीं जा पाते? हम लोग नहीं, मजबूरी है, चालान हो जाएगा, अब हम लोग 1000 रुपये कमाते नहीं हो, 2000 का चालान हो जाएगा तो कहाँ से भरेंगे? अभी बहुत मेहनत करते हैं आप, हैंडीकैप होने के बाद भी जो है, ये हैंडीकैप होने के बाद भी जो है ऑटो चलाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हालांकि जो है इनसे बहुत लोग सीख सकते हैं कि मतलब दोनों पैर सही ना होने के बावजूद जो है हम लड़ सकते हैं अपने लिए, हम जो है कुछ ना कुछ करके दिखा सकते हैं, जैसा कि आज ये दिखा रहे हैं। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से यही रिक्वेस्ट है, कम से कम हमको, हमारे जितने भी हैंडीकैप भाई हैं दिव्यांग पूरे भारत में, उनको कम से कम सम्मान दिया जाए, भले से एक आप उनको खिलाइए नहीं, उनका जो मांग के नहीं खा रहे, हम लोग मेहनत करके खा रहे हैं, जितने भी दिव्यांग भाई हमारे हैं उनको यही रिक्वेस्ट है सर, कम से कम उनको इज्जत दिया जाए, क्योंकि प्रशासन भी देखते हैं तो बहुत गंदी लफ्ज निकालती है, बोल कभी कभी प्रशासन उल्टा गाली फलौट कर देता है, तो हम लोग मजबूरन बोल नहीं पाते हैं, प्रशासन सीधी सी बात कहता है कि तुम लोग उल्टा सीधा करते हो, विकलांग हो, कभी अनलब जो बोल देता है, मजबूर हो जाते हैं, हम लोग बोल नहीं पाते हैं, मगर इतना कम से कम योगी सरकार से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश को प्रशासन को कम से कम इतना तो बोल दीजिए कि कम से कम हैंडीकैप लोगों को दिक्कत ना दें, इतनी हमारी योगी जी से रिक्वेस्ट है। चलिए भैया, इनकी रिक्वेस्ट स्वीकार कीजिए, अगर हैंडीकैप लोगों का अगर हम और आप साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा, क्योंकि जो है ये पैरों से जो है विकलांग होते हैं, कुछ लोग हाथ से विकलांग होते हैं, कुछ लोग ये पूरे शरीर से विकलांग होते हैं। बाकी जो है ये आज हमारे साथ भाई कैसे लगे, इनकी मेहनत कैसी लगती है, एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी जो है इन लोगों के साथ भी किस तरह का व्यवहार होना चाहिए और इन लोगों से किस प्रकार की मदद होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।